ये एक ऐसा घर है जिसको बनाने और सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट का कम से कम एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और इस इको फ्रेंडली घर को बनाया है राघव जी ने, जो कि एक चेन्नई बेस्ड आर्किटेक्ट हैं। पर इस घर को बनाया कैसे गया है, इस घर को इको फ्रेंडली घर क्यों कहा जाता है, और क्या इस घर को बनाने की कॉस्ट नॉर्मल घर से ज्यादा है? हम जानते हैं कि ज्यादातर घरों को बनाने के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल्स का यूज होता है, और इन मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सब का ही प्रोसेस एनवायरनमेंट में किसी न किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जैसे सीमेंट, जिसके बिना घर बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसका प्रोडक्शन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का 8% कॉन्ट्रीब्यूटर है। और ब्रिक्स, जो घर बनाने के लिए एसेंशियल है, उसे फॉसिल फ्यूल वाली भट्टियों में ही बेक किया जाता है, जो कि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन और एयर पॉल्यूशन दोनों का ही वन ऑफ द मेजर रीजन है। राघव ने इस बात को नोटिस किया और डिसाइड किया कि वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हेलो, आई एम राघव और हमारी कंपनी है A+R आर्किटेक्ट्स, जिसमें घर बनाते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। राघव स्पेन में आर्किटेक्चर की स्टडीज कर रहे थे, और इसी में एक्सप्लोर करते हुए उन्हें लगा कि उन्हें सस्टेनेबिलिटी के थ्रू कुछ करना चाहिए। स्पेन में लोगों से बात करके समय रियलाइज हुआ कि इंडिया का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो बहुत सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस में अपने जो इंडियन ट्रेडिशनल टेक्निक को भूलते गए। और राघव ने रियलाइज किया कि इंडिया में घरों को सस्टेनेबल बनाने के लिए ट्रेडिशनल वेज और मॉडर्न वेज दोनों का ही एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। और इसी थॉट प्रोसेस से 2014 में स्टार्ट हुई A+R की जर्नी। हम A+R आर्किटेक्ट्स में यूज करते मटेरियल्स है जो एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं पहुंचाते और ये लंबे समय तक एक्सिस्ट करते हैं। इन हाउसेस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपसाइकल मटेरियल्स यूज करते हैं। नॉर्मल ब्रिक्स से कंप्रेस स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्रिक्स, वो जो है अनबर्न, इससे यूज करते हैं। आतंगुड़ी टाइल्स हैंडमेड वाला, ये जो है कम से कम कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। इसके अलावा डोर्स, स्लैब्स और सीलिंग को बनाने के प्रोसेस में ध्यान दिया जाता है कि इसमें कम से कम सीमेंट यूज हो, और इन सब को बनाने में फिलर मटेरियल को यूज किया जाता है, जैसे कि इको फ्रेंडली फोम और क्ले पॉट्स। ये दोनों ही अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली, लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं। इस घर में इलेक्ट्रिकल लाइट्स कम करने के लिए रूफ पे स्काईलेज दिया हुआ है। सेकेंड, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेंटिलेटर्स पे अपसाइकल्ड बियर बॉटल यूज करता है, उसमें एक्टिव लाइट आता है। और बड़े बड़े ओपनिंग्स और कोर्टयार्ड का ओपनिंग पे क्रॉस वेंटिलेशन है। इस घर में AC का यूज कम होता है। और अगर आपको लगता है कि इतना ही है, तो लेट मी टेल यू कि इन स्पेशली डिजाइन घरों को हाईली रिफ्लेक्टिव लोही नाम के मटेरियल से पेंट किया जाता है, जो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और दिन में घरों में लाइट्स के यूज को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से जनरेट होती है, जो घर की छत पे इंस्टॉल किए गए हैं। इन घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोविजंस दिया हुआ है, जिससे रेन वाटर वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। तो है ना एकदम क्लोज टू आइडियल हाउसिंग सॉल्यूशन, और इस आइडिया को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इसी वजह से आज A&R अपने स्टार्टअप के थ्रू 55 हाउसेस बना चुके हैं। अभी A+R आर्किटेक्ट से रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर सर्विसेज दे रहे हैं चेन्नई, कोयम्बतूर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और केरला पे। अपना प्लान है फ्यूचर पे पूरे इंडिया से इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बना सके। तो अगर आप भी इन स्टेट्स में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप A+R को इस वेबसाइट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप उनके इंस्टाग्राम के इस हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म कि A+R का आइडिया हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको A+R की स्टोरी ने थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है, तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में पता चले, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा, उतने ज्यादा इको फ्रेंडली घर हम अपने आसपास देख पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।